सो स्पेशली गर्ल्स के लिए जो बैचलर्स है और जिनको रूम डेकोरेट करना पसंद है, उनके लिए ये सारे आइटम्स बहुत अच्छे हैं। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Pooja and I hope you all are doing great. So, इस टाइम का वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इस टाइम मैंने होम डेकोर आइटम की शॉपिंग की है जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये सारी शॉपिंग है अंडर 500. So, इनमें से कोई चीज आपको पसंद आए तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. So, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. So, guys, हमारा फर्स्ट आइटम है ये प्लांटर. आप देख सकते हो कि कितना अच्छा है ये. और ये एक वुडन का प्लांटर है रेक्टेंगल शेप में और बहुत ही इसकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि इसका जो वुड उन्होंने यूज किया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उसके साथ उन्होंने दी है इस टाइप की रोप. तो रोप की क्वालिटी है वो भी अच्छी है. बहुत ही ब्रॉड रोप यूज किया है उन्होंने. सो उसकी वजह से हम इसको वॉल पे लगा सकते हैं या फिर कहीं और लगा सकते हैं. और एज ए डेकोर आइटम ये बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर स्पेस भी अच्छा है. आप देख सकते हो कितना स्पेस है. तो छोटी छोटी जो चीजें रहती है जैसे कि छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स या फिर छोटे छोटे स्टैचूज इसके अंदर रख के हम बहुत अच्छे से इसको एज ए डेकोर आइटम वॉल पे लगा सकते हैं. और मल्टीपर्पज है तो हम इसको बालकनी में भी लगा सकते हैं या फिर बेडरूम में, हॉल में एज ए डेकोर आइटम. और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इसको एज ए डेकोर आइटम यूज नहीं करना है तो ये रोप निकल के आप इसको एज ए ट्रे भी यूज कर सकते हो. अगर आप इसको अच्छे से डेकोरेट करके इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें डाल के कोई टेबल पे रखते हो तो बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव लगेगा ये. क्योंकि ऐसे ट्रेस मैंने देखे हैं ऑनलाइन और वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं. मतलब 500 के अंदर तो कोई भी ट्रे नहीं रहता. सो अच्छी क्वालिटी का. सो यस, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये प्लांटर मुझे मिला है 250 में. और यस, 50 rupees एक्स्ट्रा लगे है डिलीवरी चार्ज के. सो टोटल ये प्लांटर मुझे मिला है 300 में विद डिलीवरी चार्ज. और यस, मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा. और मैंने इसको किस तरह से डेकोर किया है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी. सो यस, 300 के अंदर होम डेकोर आइटम के लिए ये तो चीज एकदम बेस्ट है. सो गाइस, हमारा नेक्स्ट आइटम है ये लैम्प. ये मैंने मेरे बेडरूम के लिए लिया था. मुझे सोते टाइम ज्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता सो इसीलिए मैंने ये लैम्प लिया था. और आप देख सकते हो कितना क्यूट और कितना स्टाइलिश है ये लैम्प. और इसका जो मटेरियल है वो है ग्लास का, लेकिन बहुत ही अच्छा ग्लास उन्होंने यूज किया है. और यहाँ से आप बल्ब लगा सकते हो. मैंने नाइट बल्ब लगाया है इसमें येलो कलर का जो कि बहुत अच्छा लगता है रात में. और यस, नीचे से कुछ ऐसा है ये. और जो लैम्प पे डिजाइन है वो आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत डिजाइन है ये. और इसके जो वायर का पार्ट है वो हम अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बाहर निकाल सकते हैं और अंदर डाल सकते हैं. सो जो भी पार्ट हम अंदर डाल रहे हैं वो पूरा हाइड हो जाएगा अंदर. सो इसका ये पार्ट बहुत अच्छा है. और इसकी क्वालिटी की बात की जाए सो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. इसका जो मटेरियल है ग्लास का वो भी ब्रॉड है, बहुत अच्छा वाला ग्लास उन्होंने यूज किया है. एंड यस, इसका जो शेप है बहुत ही क्यूट है. मतलब बेडरूम के लिए परफेक्ट है ये लैम्प और स्पेशली गर्ल्स के लिए. और ये मुझे मिला है 320 में. मैंने देखा है ऑनलाइन जो टेबल लैम्प्स रहते हैं उनकी प्राइस ज्यादा रहती है, लेकिन ये मुझे सबसे कम प्राइस में लगा. प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. लुक वाइज भी आप देख सकते हो कितना क्यूट है, छोटू सा. ओवरऑल ये लैम्प बहुत अच्छा है. हमारा नेक्स्ट आइटम है ये फ्रेम जिसके ऊपर बुद्धा का पेंटिंग है. फ्रेम की जो क्वालिटी है वो है वुडन की. वुडन का है ये, आप देख सकते हो. और इसके ऊपर जो पेंट किया है वो है ऑयल पेंट और वो भी हाफ फेस पेंट किया है तो उसकी वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है ये पेंट. और यस, इसका इसके पीछे का जो पार्ट है वो भी वुडन का है. और इसके पीछे ये कड़ी है तो आराम से हम इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं. अगर आपको वॉल पे नहीं लगाना तो अच्छे से हम इसको टेबल पे भी डेकोरेट कर सकते हैं. बहुत अच्छा पीस है ये और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है. और लुक वाइज भी आप देख सकते हो बहुत अट्रैक्टिव पीस है ये. सो
सो होम डेकोर के लिए ये भी आइटम बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से हर घर में बुद्धा का एक स्टैचू या फिर फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत अच्छे और पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पीसफुल फील होता है। सो यस, मेरे हिसाब से अगर आपके बेडरूम में या फिर आपके हॉल में जहाँ से एंट्रेंस हो वहाँ पे अगर बुद्धा का स्टैचू हो या फिर बेडरूम में आपके फ्रेम्स हो तो बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती है। सो यस, मैंने उसी हिसाब से ये फ्रेम ली थी जिसको मैंने मेरे बेडरूम में लगाया है और बहुत अच्छी दिखती है ये वॉल पे। मैंने इसको वॉल पे लगाया है और यस, क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी है। जो ऊपर का मटेरियल है वो ग्लास का नहीं है, प्लास्टिक का है, लेकिन बहुत अच्छा वाला प्लास्टिक यूज किया है उन्होंने। और ये फ्रेम मुझे मिली है 250 में, इसके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगा शायद। सो 250 के हिसाब से ये एक परफेक्ट फ्रेम है और इसकी जो साइज है वो भी अच्छी खासी बड़ी है, मतलब ज्यादा छोटी भी नहीं है और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत अच्छी साइज है इसकी। और जो फ्रेम का बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का है और अंदर का ये जो हाफ फेस है वो गोल्डन कलर का है, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक लगती है ये फ्रेम, इसलिए मैंने ये लिया था। सो या 250 के हिसाब से ये भी फ्रेम परफेक्ट है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट आइटम है ये कुशन्स और मैंने इसका 3 का पैक ऑर्डर किया था। और यस, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं और इसकी साइज है 40 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो। और यस, ये बहुत ज्यादा फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट है और इसका जो प्राइस है वो है 350 में मुझे 3 मिले हैं ये, और उस हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है, और मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। बात याद रखना, आप जब भी ऑनलाइन कुशन्स ऑर्डर कर रहे हो तो उसको पैकेट के बाहर निकालने के बाद आप जस्ट उसको ऐसे करके देखना, उनकी जो मतलब साइज है वो बड़ी हो जाती है, आप मतलब ऐसे करना तो वो ज्यादा ही फ्लफी हो जाते हैं। और यस, पर की जो लेयर है, जो फैब्रिक है वो आप देख सकते हो कुछ सिल्क का है शायद, और अच्छा है, व्हाइट कलर का है। सो आप इसको अगर अच्छे वाले कुशन कवर के साथ मतलब हॉल में या फिर बेडरूम में अच्छे से डेकोर करोगे तो बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं ये। यस, इसमें 4 का 5 का या फिर आपको जितने लेना है वो भी पैक अवेलेबल है। मैंने सबसे छोटा लिया था 3 का क्योंकि मुझे बेडरूम के लिए चाहिए थे। सो उस 350 के हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा फ्लफी है। और मैं इसको पिछले 1 महीने से यूज कर रही हूँ, उसके बाद ही ये रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कल ही आए हैं और आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, नहीं, मुझे रिसीव हुए हैं 1 महीना पहले, उसके बाद मैंने पूरे 1 महीना इसको यूज किया है, उसके बाद ये रिव्यू दे रही हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। और मुझे हमेशा ऐसी चीजें लेना अच्छा लगता है जो कि मतलब अच्छी क्वालिटी की हो और जिनका प्राइस बजट के अंदर हो। सो एंड यस, इसका साइज भी अच्छा है और कोई भी अच्छे कुशन कवर के साथ आप अलग अलग तरीके से घर में डेकोरेशंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो या, हमारा लास्ट आइटम है ये कुशन कवर और ये 5 का पीस ऑर्डर किया था मैंने, और कुछ अलग अलग डिजाइन है, हर एक कुशन कवर पे अलग अलग डिजाइन है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले बात की जाए इसकी क्वालिटी की, सो इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका जो मटेरियल है वो अच्छा है, फ्रंट वाले साइड में थोड़ा रफ सा मटेरियल है तो जल्दी मतलब गंदा नहीं हो जाएगा ये। और ऊपर की डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन भी बहुत अच्छे है, हर एक कुशन कवर पे अलग अलग डिजाइन है, तो वो भी बहुत अच्छा पार्ट है इसका। और यस, सारे में फ्लावर्स की डिजाइन है तो बेडरूम में या फिर हॉल में अच्छे से आप उसको रख पाओगे। और ये भी कुशन कवर्स मैंने कुशन्स के साथ ऑर्डर किए थे, इसको भी मैंने यूज किया है, 2-3 बार वॉश किया है। सो वॉश करने के बाद इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। यस, पीछे से इसको जिप भी है, सो पीछे से सारे कुशन कवर का जो कलर है वो इस टाइप का है, आगे से सारे कुशन कवर्स का अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग कलर्स है, तो कलरफुल बहुत ही अच्छे लगते हैं ये और क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है। एंड ये कुशन कवर्स मुझे मिले हैं 349 में, 349 के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है। और ये मल्टी कलर का पैक आता है तो कोई भी बेडशीट पे या फिर सोफा सेट पे बहुत अच्छे से मैच होगा। और सारे कुशन कवर की जो डिजाइन है और कलर है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड कुशन कवर व्हाइट कलर का और बहुत अच्छे वाली डिजाइन है इस पे। सो ये है थर्ड कुशन कवर,
इसको मैंने कुशन पे लगाया है, आप देख सकते हो। और ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ, पिंक कलर का, मेरा सबसे फेवरेट कलर। सो गाइज, आज के हॉल में मैंने आप लोगों के साथ जो भी शेयर किए हैं मेरे रिव्यू, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे थे। एंड यस, सारे आइटम्स की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, और वो कुछ भी मैंने आइटम लिए थे वो थे अंडर 500। और ये सारे आइटम ऐसे हैं, मतलब आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि सारे आइटम बहुत ही लाइट वेट है, तो शिफ्टिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं खुद पुणे में रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, और ये सारी चीजें स्पेशली गर्ल्स जो कि बैचलर्स हैं और जिनको रूम डेकोरेट करना अच्छा लगता है। गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।